हरियाणा के मेवात में दिल्ली से बकरे खरीदने आए दो युवकों से लूट करने वाले बदमाशों के खिलाफ क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूटा है। आपको बता दें क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। बता दें शुक्रवार को एक बैठक बड़ाकली चौक पर हुई है, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने 12 जुलाई को हुई घटना पर बेहद अफसोस जाहिर करते हुए बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है और पुलिस का सहयोग तन मन धन से करने का भरोसा दिलाया। बृहस्पतिवार को नगीना पुलिस मामले में एक शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें दिल्ली से चलकर इलाके के मरोड़ा गांव के आसपास दो युवकों को लूटने और बैंक के एटीएम से करीब 70,000 रुपए निकाले थे। इस घटना पर क्षेत्रवासियों ने नाराजगी जताई है। नगीना पुलिस थाना पहुंचकर लोगों ने पुलिस का सहयोग करने का वचन दिया और बदमाशों को पकड़ने में पुलिस का हर संभव मदद की बात कही। नगीना के थाना अधिकारी हरि सिंह ने बताया कि समाज सुधारक राजुद्दीन घागस, नगीना सरपंच नसीम अहमद, सामाजिक कार्यकर्ता मुबारक अटेरना, एडवोकेट अरशद अहमद बड़कली, समाज सेवक नफीस अहमद भादस, युवा समाज सेवी आफताब अहमद, युवा समाज सेवी मुजफ्फर रेहान, सामाजिक कार्यकर्ता जुनैद पलई ने नगीना थाने में पहुंचकर मरोड़ा बसई के पास हुई घटना पर पुलिस का सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। दिल्ली से बकरा खरीदने आए दो युवकों के साथ घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। उन्हें पकड़वाने में पूरे सहयोग देने का ऐलान किया है। एसएचओ ने बताया कि इस घटना में आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की दो टीम बनाई गई है जो दबिश दे रही है। जल्दी ही इस घटना का पर्दाफाश होगा। यह याद रहे कि नगीना क्षेत्र में अमूमन ऐसी घटनाएं नहीं होती, यह इलाका शांति प्रिय है, इसलिए क्षेत्र के लोगों में घटना पर रोष का माहौल है। गौरतलब है कि सहजात व सिप्ते आलम दिल्ली से एक स्विफ्ट गाड़ी में चलकर जिला नूह के गांव मरोड़ा आए। गांव हैबत का और बसई के बीच दो युवक मोटरसाइकिल पर मिले। उनमें से फोन पर अपना नाम मोहित राठौड़ बताने वाला उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। अरावली के नज़दीक 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 5 अन्य लोग भी मिल गए। उन्होंने हमें गाड़ी से नीचे उतार दिया और हमारे जेबों में रखे 4,000 रुपये निकाल लिए और पेटीएम से 49,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिए और कोटक महिंद्रा बैंक व आईसीआई बैंक के एटीएम से दो बार 10,000 रुपये निकाले गए। इसमें से बुधवार को 10,000 रुपये निकाले गए। बंदूक की नोक पर एटीएम कार्ड और जरूरी कागजात छीन लिए गए। हमें स्विफ्ट गाड़ी में बैठाकर घर जाने का इशारा कर दिया। डर के मारे वहां से हम दोनों जान बचाने के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लुटेरों की पहचान के लिए, बदमाशों की पहचान के लिए पुलिस ने गाँव में अभियान चलाया है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेवात सिटी न्यूज की भी यही अपील है, अगर आप यहाँ पर बकरा खरीदने आते हैं या फिर किसी काम से यहाँ पर आते हैं तो अपने सावधान होकर आइएगा, पुलिस को सूचित करके आइएगा, किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बातचीत करके आइएगा।